इस वीडियो सेशन में हम लोग दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो दो टॉपिक्स का नाम है, पहला है ई गवर्नेंस और दूसरा है ई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस दो शब्दों को मिलकर बनाया जाने वाला एक शब्द है। ई का फुल फॉर्म है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और जी से है गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना, जिससे सारे सरकारी कार्यालयों में जनता और दोनों के पैसे समय की बचत हो सके और बार बार आपको विभिन्न प्रकार के दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। कहने का यह मतलब है कि जो भी डिपार्टमेंटल वर्क है, वो बिल पेमेंट हो, एप्लीकेशन हो, आवेदन हो, निवेदन हो, कोई भी ऐसे काम जो एक आम व्यक्ति और एक गवर्नमेंट बॉडी के बीच में है, तो उसके लिए हमें सीधे से जाके गवर्नमेंट के ऑफिस में अप्रोच करना पड़ता था, जिससे हमें समय भी देना होता था और इसमें हमारा एक ट्रैवल एक्सपेंस भी लगता था। अब यही काम अगर इंटरनेट के माध्यम से हो सके, और आज हम लोग देख रहे हैं कि यह संभव लगभग हो ही चुका है कि लगभग सभी गवर्नमेंटल काम हम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, हमें किसी भी डिपार्टमेंट में जाने की कोई ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ई गवर्नेंस। सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकती है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य, आप ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको इसमें मनी ट्रांसफर करना हो, फिक्स डिपॉजिट एफडी बनाना हो, एफडी ब्रेक करना हो, या लोन के लिए अप्लाई करना हो, कोई प्रीमियम आपको पे करना हो, तो वो आप घर बैठे ही पे कर सकते हैं, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जीएसटी पेमेंट आप घर बैठे ही कर सकते हैं। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ट्रेन, बस, हाईवे की टिकट भी ऑनलाइन बुक कराई जा सकती है। तो ये वो सारे डिपार्टमेंटल वर्क थे जो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी ट्रैवल करने की, किसी भी जगह अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा काम इंटरनेट के माध्यम से होता है। लेकिन देखा जाए तो चार स्टेजेस में गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने के लिए चार स्टेजेस को फॉलो किया गया था, जिसमें सबसे पहला स्टेज था कंप्यूटराइजेशन। पहले चरण में व्यक्तिगत कंप्यूटर पर उपलब्धता के साथ सभी सरकारी कार्यालयों में पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किए गए। कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आई। सबसे पहले हर एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को स्टैब्लिश किया गया, उनकी ज्वाइनिंग की गई, पीसीज अवेलेबल कराए गए, ताकि सारा काम पेपर पेन से निकलकर कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सके। सेकेंड स्टेज में कुछ सरकारी संगठनों के बीच इकाइयों को विभिन्न सरकारी संस्थानों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया, यानी कि फिर इसके बाद एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया डिपार्टमेंटल के बीच, ताकि एक डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन या एक ब्रांच से इंफॉर्मेशन दूसरे ब्रांच के बीच आसानी से पहुंचाई जा सके, और वो नेटवर्किंग का टोपोलॉजी या टाइप मैन कहलाता था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें एक बड़े अच्छे खासे लेवल पर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से बेहद आसानी से जोड़ा जा सकता है और उनके बीच में डेटा को एक्सचेंज भी किया जा सकता है। थर्ड स्टेज में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ वेब पर उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणाम स्वरूप
सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइट का रखरखाव किया गया। आमतौर पर इन्हें वेबसाइट में संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन संबंधित सरकारी संस्थानों के उद्देश्य और दृष्टि विवरण के बारे में जानकारी होती है। यानी कि वेबसाइट का दौर शुरू हुआ। वेबसाइट में वो बॉडी क्या है, किस तरह से वो काम करती है, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, वहां पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, कोई भी रिपोर्ट, जानकारी, आकलन, यह सारी जानकारी अब वेबसाइट के माध्यम से मौजूद कराई जा सकी। लास्ट स्टेज थी ऑनलाइन इंटरैक्टिविटी। ऑनलाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक महत्व सरकारी संस्थानों और नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनल का खोला जाना था। इस चरण का मुख्य उद्देश्य डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थानों के साथ व्यक्तिगत इंटरफेस द्वारा जमा करना था। यदि कोई भी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो आप डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जानी मानी गई इंफॉर्मेशन को भर कर आप एक फॉर्म में या किसी भी ब्रांच में, उस डिपार्टमेंट की ब्रांच में जाके जमा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बार बार अलग से ब्रांच के या डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इन चार स्टेजेस के माध्यम से ई गवर्नेंस को स्टैब्लिश किया गया। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के फायदे क्या है। तो ई गवर्नेंस शासन में सुधार है जो सूचना और संचार के प्रौद्योगिक के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है। यानी कि वह अपनी जानकारी आसानी से व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है। दूसरा है, ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और इंक्रिप्ट सेवाओं को बेहतर पहुंच बनाता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बीच में क्रैक नहीं हो सकती है। यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाती है। यानी कि इसको समझना बेहद आसान है, ट्रांसपेरेंट है और क्रिस्टल क्लियर है। आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शासन को व्यापक व्यापार प्रक्रियाओं के साथ संयुक्त रूप से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए जटिल प्रक्रियाओं को सरलीकरण संरचनाओं में और विधियों और नियमों में बदलाव होगा। यानी कि समय के साथ साथ इसको आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, जो नागरिक आसानी से समझ सकें, ज्यादा उसमें उलझन ना हो, तो समय के साथ इसमें और भी बदलाव होना संभव है। ई गवर्नेंस नागरिक और सरकार के लिए लाभप्रद है क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर द्वार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करके एक व्यक्ति उनके नागरिकों के हित के लिए उपयोग कर रही है। अब बात करेंगे सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, जिसे एक डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल करता है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी व्यवसक नागरिकों को प्रस्ताव, विकास और कानून के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। ये एक तरह का ऐसा प्रपोजल है जिसमें हर एक व्यक्ति के पास उसके अधिकार होंगे, उसके राइट्स होंगे एक इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट के समक्ष रखने के लिए। ई लोकतांत्रिक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समाहित करता है। इंटरनेट का उपयोग, ई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सक्रिय और प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक समुदायों में विभाग में भाग नहीं लेने वालों के बीच डिजिटल विभाजन से बाधित किया जाता है। यानी कि कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को ई डेमोक्रेसी के तहत बांधा जा सके,
ताकि उनके पास वह सारे अधिकार जो अभी भी मौजूद हैं वो इंटरनेट के माध्यम से उन अधिकारों का उपयोग सदुपयोग कर सकें। दूसरा है सुरक्षा और गोपनीयता की सुरक्षा। सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन संचार सुरक्षित हो और वह लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करता हो। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपके थ्रू दिया जाने वाला कोई भी प्रपोजल हो, कोई भी कंप्लेन हो, तो वह उसकी जानकारी सीधी गवर्नमेंट के पास जाए और इसके अलावा वह किसी के हाथ ना लगे। इस तरह का एक टर्मिनल बनाना चाहिए जो डायरेक्टली व्यक्ति को और गवर्नमेंट को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसे 1-to-1 कनेक्टिविटी कह सकते हैं। तीसरा है सरकारी जवाबदेह। ऑनलाइन परामर्श और चर्चाओं में शामिल होने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए और सक्रिय रूप से पारदर्शिता करनी चाहिए कि सभी नागरिकों और नीतिगत परिणाम के बीच एक संबंध है। यानी कि जो भी यहां से नागरिकों द्वारा एक रिक्वेस्ट रेज की जा रही है गवर्नमेंट के समक्ष, तो गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि वह उसके विपरीत उसको उसके लिए उस नागरिक को जवाब दे समय रहते, जिससे नागरिकों का ई डेमोक्रेसी के प्रति एक भरोसा बढ़ेगा और वह उसको अपनाने के लिए आगे भी आएंगे। तो इस सेशन में हम लोगों ने बात की थी दो टॉपिक्स, पहला था ई गवर्नेंस और दूसरा था ई डेमोक्रेसी।